हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस, जो है पीटी, उसका एक फैसला आया और बड़ा ही सुन के अफसोस हुआ कि जो पबजी है, वो जो पबजी मतलब जो बैन करने वाली पार्टी है, जिनका ये मौका था कि पबजी को बैन किया जाए, उनको थोड़ी सी और मोहलत मिल गई है। और पीटीए ने थोड़ा इसको डिले कर दिया आगे और कहा है कि मतलब इसके मतलब केस को थोड़ा आगे डिले कर दिया है। और जो मुखालिफ पार्टी है, उसको मदद मिल गई है। और जो ई स्पोर्ट्स का इवेंट है, वो शायद जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनमें ना हो सकें वो। और ये भी कि पबजी शायद 24 घंटे के बाद जो कह रहे थे कि अनबैन हो जाए, वो शायद ना हो सके। तो जो दूसरी पार्टी है, वो जो अपना मतलब और उनको एतराज़ात हैं, वो ईमेल के ज़रिए भेजेंगी। मैं चाहता हूँ कि आप ये क्लिप ज़रूर देखें। गेम पर पाबंदी बरकरार रहेगी या नहीं, फैसला ना हो सका। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का मजीद मुशावरत का फैसला किया गया है। पीटीए ने शिकायत करिंदगान को एतराजात जमा करवाने के लिए मजीद मोहलत दे दी है। शिकायत करिंदगान आज शाम तक एतराजात ईमेल के जरिए जमा करवा सकते हैं, पीटीए की जानिब से कहा गया है। पीटीए में गुजश्ता रोज पबजी पर पाबंदी के हवाले से समाअत हुई थी। दरख्वास्त गुजार पबजी काउंसलर और सिविल सोसाइटी के तमाम अफराद ने पाबंदी पर अपना मौकिफ अपनाया है। अथॉरिटी मजीद मुशावरत के बाद आइंदा चंद रोज में फैसला करेगी, तर्जमान पीटीए की जानिब से कहा गया है। पीटीए ने 1 जुलाई से पबजी गेम के नौजवानों पर मनफी नफसियाती असरात के बायस पाबंदी आयद कर रखी है। पबजी गेम पर पाबंदी बरकरार रहेगी या नहीं, फैसला ना हो सका। पीटीए का मजीद मुशावरत का फैसला किया गया है। शिकायत करिंदगान को एतराजात जमा करवाने के लिए मजीद मोहलत दी गई है।